नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात मैनदव आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अर्निंग दुनिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आप सभी से एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जो साल में 12 महीने चलता है और इसका अच्छा खासा मार्केट में डिमांड है और इसके बिना जीवन का कोई भी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि घर के बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता, हर किसी को घर की ज़रूरत है। तो दोस्तों घर की ज़रूरत है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं दोस्तों घर में जो लेबर लगता है, लेबर सप्लाई का काम या ठेकेदारी बोले तो ठेकेदारी का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने आसपास के एरिया में, या आप ग्रामीण एरिया में हो या शहरी एरिया में आप शुरू कर सकते हैं लेबर सप्लाई बिजनेस का कारोबार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर किसी के आज के दौर में वो चाहते हैं कि उनका पक्का का घर हो, अच्छा घर हो, जिससे कि उनको सुरक्षित रहने का मिले, किसी तरह का टेंशन नहीं हो। जैसा आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि घर शुरू से नीचे से बनना स्टार्ट होता और ऊपर तक जाता है, तो फुटिंग से स्टार्ट होकर मतलब वो ऊपर तक जाता है। दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं इसमें लेबर भी बहुत ज़्यादा लगता है इस काम में, क्योंकि इसमें ईंट मिट्टी छर जो भी काम होता है उसको करने के लिए कोई ना कोई लोग की ज़रूरत पड़ता है। तो लोग जिनको घर बनवाना होता है उनका तो घर खुद का होता नहीं है, उनको कहीं ना कहीं से लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लेबर कहाँ से लाते हैं, वो किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ही लेबर लाते हैं। इसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं लेबर सप्लाई बिजनेस का, यानी कहें तो आप देहाती भाषा में इसको ठेकेदारी का, आप घर बनवाने के ठेकेदारी के काम स्टार्ट कर सकते हैं जिसका बहुत ही अच्छा खासा मार्केट में डिमांड है। दोस्तों एक घर बनाने में कम रेगुलर डेली के 5 से 7 लेबर ज़रूर लगता है, छोटा घर भी बनता है तो। और आज के दौर में हर कोई चाहते हैं कि पक्का का घर उनका हो, तो इस बिजनेस को कैसे करें, कितना लागत लगेगा, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो का पूरा देखें जिससे कि आपको कोई भी जानकारी छूटने ना पाए। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह होता है कि आपको उस काम का बेसिक अनुभव होना चाहिए, तभी काम को आप सही ढंग से कर पाएंगे, नहीं तो आप उस काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिना जानकारी के अगर आप काम को करते हैं तो हो सकता है कि आपको नुकसान होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आप उस बिजनेस को समझिए, या आप हो सके तो सुपरवाइज़र के तौर पे किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ ड्यूटी करके आप देख लीजिए। लेबर सप्लाई का जो भी काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर उनके यहाँ आप देख सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में आपको ज़रूरत पड़ेगा राजमिस्त्री का जो दीवार जोड़ने का काम करते हैं, साथ ही साथ आपको हेल्पर का ज़रूरत पड़ेगा, और जो छर का छर मोड़ने बनाने का काम करते हैं यानी जो फीटर का काम करेंगे, तो आपको 2-3 तरह के अलग अलग मिस्त्री का आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। घर एक भी घर कोई भी बनता है तो दोस्तों उस घर को बनने में लगभग 1-2 महीना लग जाता है, तो काम का आपको कमी नहीं होगा इस बिजनेस में। दोस्तों बात किया जाए कि लेबर कहाँ से आप लाएंगे, तो लेबर आपको आसपास के एरिया में संपर्क करके पता कर सकते हैं, वहाँ से आपको लेबर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों लेबर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या इसके लिए लाइसेंस भी ज़रूरत है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस काम को करते हैं तो हो सकता है इस बिजनेस में रिस्क भी होता है, ऊंचा हाइट पे काम होता है, खड्डा में काम होता है, अलग अलग चीज़ें होता है, उन सब चीज़ को भी देखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी बिजनेस को करते हैं तो उसके लाइसेंस सिस्टम के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग में ऊपर मतलब छत ढलाने के लिए तैयार हो रहा है, तो उतना हाइट पे ऊपर दोस्तों तख्ता पे बांस बल्ली पे चढ़ के मिस्त्री लेबर आपका काम करेगा हेल्पर, तो उसके सुरक्षा से भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। दोस्तों अगर इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं आप तो 20 लेबर से कम का अगर आपके पास लेबर हैं, छोटा स्तर पर काम करते हैं, तो बिना लाइसेंस के भी आप काम को शुरू कर सकते हैं, काम आप कर सकते हैं। परंतु अगर आपके पास 20 लेबर से ज़्यादा आपके पास है तो आपको श्रम विभाग के पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहाँ से आपको लाइसेंस ले लेना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में आपको किसी तरह के कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़े तो आपके पास लाइसेंस होगा तभी आप सही से कर पाएंगे, नहीं तो आप नुकसान में चले जाएंगे। इसीलिए किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी यह होना चाहिए कि कागजात आपका हैवी होना चाहिए, कहीं से कागजात में कमी नहीं होना चाहिए, जिस वजह से आपको कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों साथ ही साथ आप अगर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हो सके तो आप इंश्योरेंस अपने लेबर का ज़रूर करवा दीजिए, जिससे कि किसी भी तरह का खतरा होने पे नुकसान होने का चांस बहुत कम हो, और साथ साथ सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सेफ्टी बेल्ट, जूता, हेलमेट, जो भी चीज़ें हैं, चश्मा, सेफ्टी गॉगल जो भी होता है, आप A to Z व्यवस्था अपने लेबर को दें
तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा और भविष्य के लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि सिंपल तौर पर ग्रामीण एरिया में लोग बिना सेफ्टी बेल्ट बिना हेलमेट टोपी के ही काम करते हुए देखे जाते हैं ज़्यादातर जगह पर, लेकिन उनका सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जाता। सुरक्षा मानक का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप काम करते हैं खुदा न खास्ते कुछ परेशानी हो जाता है तो कौन देखेगा, इस चीज़ का जिम्मा कौन लेगा। तो आप सेफ्टी का ख्याल रखें जिससे कि किसी भी तरह का खतरा होने का चांस न के बराबर हो। उसके साथ ही साथ दोस्तों आप अपने लेबर को सेफ्टी के लिए ट्रेन कर सकते हैं या सेफ्टी का ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं, बेसिक ट्रेनिंग, जिससे कि वो काम करे तो सेफ्टी के साथ काम करे। क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी काम होता है आप देख रहे हैं वीडियो में कि बांस पे तख्ता पे ठोक के काम होता है, तो इसमें थोड़ा सा सुरक्षा का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बिजनेस को दोस्तों आप स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही कम पूंजी में, क्योंकि इस बिजनेस में आपको लेबर काम करेगा तभी आपको पैसा देना होता है। तो बिना पूंजी लगाए हुए इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिना पूंजी का बिजनेस है दोस्तों, सिर्फ आपको लाइसेंस बनवा लेना है अगर 20 से ज़्यादा लेबर सप्लाई का काम करते हैं तो। दोस्तों आप लेबर सप्लाई का बिजनेस का काम घर बनाने के साथ साथ ही आप चाहते हैं तो किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी में, अलग अलग फैक्ट्री में, इंडस्ट्री, जो भी एरिया है जहाँ पे लेबर का ज़्यादा डिमांड होता है वहाँ पे कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लायर ही होता है, तो आप वहाँ पे भी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को यहाँ आप अगर करते हैं घर बनाने में खासकर, तो भी अच्छा खासा चलने वाला है। दोस्तों बात किया जाए इस बिजनेस में कि मुनाफा आप कितना कमाएंगे, किसी भी बिजनेस को करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है पैसा, पैसा कितना आपको मिलेगा। तो दोस्तों आप दो तरीक़े से काम को करवा सकते हैं। एक लेबर सप्लायर सिर्फ है जिसमें आप सिर्फ लेबर दे देते हैं, काम अपना जिनका भी घर बनता है या कंपनी का जिसका भी काम होता है वो आपको लेबर का डेली यानी कि दिहाड़ी जोड़ के आपको पैसा मिल जाता है। मान लीजिए किसी लेबर का, हेल्पर का 500 रुपया कंपनी से मिलता है, आप हेल्पर को 450 देते हैं तो आपको 500 रुपया वहाँ पर बच जाता है। मिस्त्री का अगर 1000 रुपया 800 रुपया चार्ज है तो आप अगर मिस्त्री का लेते हैं कंपनी से या घर वाले से 800 रुपया चार्ज, आप देते हैं 700 रुपया 650 रुपया, तो 100-150 रुपया वहाँ भी आपका बच जाता है। यानी कि एक जोड़ी पे आपका 200-300 का काम हो जाता है। अगर दोस्तों आप 20 लेबर रखे हैं तो 10 जोड़ी हुआ यानी कि 1000-1500 रुपया कम से कम काम हो जाएगा। अगर ज़्यादा लेबर रखे हैं तो 2000-3000-4000 भी आप कमा सकते हैं डेली का, यानी महीना का 1-1.5 लाख रुपया ईजिली आप इस बिजनेस में कमा सकते हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले दोस्तों महत्वपूर्ण चीज़ यह नहीं है कि पैसा कमाना, महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि उसके बारे में समझना। जब तक कि आप किसी काम को समझ नहीं पाते हैं तब तक आप उस बिजनेस को अच्छा से नहीं कर पाएंगे। और अगर हो सके तो आप इंटर्नशिप कर लीजिए कहीं पर जाके, किसी कंपनी में कुछ दिन रह के सीख लीजिए किसी ठेकेदार के पास रह के। और काम को सीखना ज़रूरी है, जब तक किसी काम को आप सीखते नहीं हैं तब तक आप अच्छा खासा पैसा नहीं कमा सकते हैं। काम को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप फायदे में रहेंगे, नहीं तो हो सकता है कि आपको नुकसान होने का डर रहे। दोस्तों किसी के भी बिजनेस को लोग करता है कमाने के लिए, नुकसान करने के लिए नहीं। दोस्तों आज के दौर में शहर गांव देहात सब डेवलप हो रहा है, एक तला दो तला तीन तला बिल्डिंग बनते रहता है, तो आपको लेबर का सप्लाई भी ज़्यादा होगा तो सेफ्टी का ख्याल भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर हाइट पे काम होता है तो सेफ्टी का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप इस वीडियो में इस फोटो को देख रहे हैं कि 2 मंजिला बिल्डिंग बन रहा है, इसमें हाइट पे जो भी काम हुआ होगा तो सेफ्टी का ख्याल रखना ज़रूरी है। आप सेफ्टी के लिए आप जानकारी के लिए यूट्यूब के वीडियो से सीख सकते हैं, इसका स्पेशल कोर्स कर सकते हैं स्पेशल विभाग से, कंस्ट्रक्शन विभाग से, सेफ्टी विभाग से। आप बेसिक चीज़ें सीख लीजिए दोस्तों तभी आप किसी काम को कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी काम को लापरवाही से करते हैं तो हो सकता है कि कुछ दिन तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हो लेकिन किसी खुदा न खास्ते कोई परेशानी हो जाता है तो आपको उस समय बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आप जितना कमाएंगे नहीं उतना आपको भरना पड़ जाएगा, तो आपको सेफ्टी का ख्याल रखना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप काम को करते हैं तो इसमें बिल्डिंग बनाने में हेल्पर मिस्त्री तो जो लगता ही है, आप इसमें प्लास्टर होगा, उसको कलर होगा, जब पेंट होगा, उन सब चीज़ों के लिए गेट ग्रिल लगेगा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट माध्यम से आप चाहें तो गेट ग्रिल वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या आप गेट ग्रिल का दुकान खोल सकते हैं, वहाँ भी आप ऑर्डर ले सकते हैं। अगर आप घर का काम किए और आपके पास अगर इसका काम हो ग्रिल बिल्डिंग बनाने का तो आप खुद ऑर्डर ले सकते हैं, ज़्यादा काम आपको मिलेगा। तो दोस्तों आपको दिमाग खुला रखना है, आप जब तक दिमाग नहीं चलाएंगे तब तक पैसा नहीं कमा पाएंगे। किसी भी बिजनेस को करने के लिए दिमाग चलाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले मार्केट को रिसर्च कर लीजिए। जब तक कि आप मार्केट को सही से रिसर्च नहीं कर लेते हैं तब तक किसी बिजनेस को आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मार्केट को रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है तभी आप सही से काम को सक्सेस कर सकते हैं। आप मार्केट से रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लेबर कहाँ पर सही रेट में मिलेगा, किस एरिया में लेबर ज़्यादा है, कितना रेट देना चाहिए, काम कैसे लिया जाता है,
कैसे पार्टी से बात करें, कंपनी से बात करें, तो ए टू जेड आपको जानकारी मार्केट को रिसर्च करने के बाद ही आपको मिलता है। तो मार्केट का रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस का, लेबर सप्लाई बिजनेस का धंधा, तो आप खुद शुरू कर सकते हैं, नहीं तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, लेबर सप्लाई बिजनेस को, उनको आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक क्लेम करेंगे। नमस्कार।